बात पर खुश आमदेद। ये मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे छोड़ के चले गए इस गाड़ी में। इस वक्त मैं टोरंटो एयरपोर्ट जो कि टोरंटो पियर्सन है, वैसे है मिसिस आका में, चले हम पाकिस्तान पे। ये गिफ्ट देना है, सामान बचाना है तो ऐसा लगाया हुआ, वरना मेरी ऐसी एज ही नहीं कि मैं हेडफोन लगा के घूमूँ। ये अच्छा है यहाँ पे, आप देख रहे हैं टर्मिनल भारू मैंशन है ना, कि ये टर्मिनल वन है यहाँ का। और कौन कौन सी लाइन यहाँ से जा रही है? वैसे मेरा इरादा था ऊपर वाली से जाने का, इथोपियन ये अपने 14 घंटे ट्रांजिट में, क्योंकि यहाँ से मैं पाकिस्तान जाऊँगा ना, अच्छे होटल में स्टे देते हैं, थोड़ा इथोपिया भी घूम लो, दिन में सुबह बचाते हैं और रात में निकलते हैं, तो आप दिन में आप घूम भी सकते हैं, वरना रात में स्टे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज तारीख हो गई है भाइयों 15 अक्टूबर, इस्लामी तारीख है 29 रबीउल, और टाइम हुआ है इस वक्त सुबह के 10:10, टेम्परेचर हुआ है 9 और फीस लाइक हो रहा है 6। सुबह निकला था 7:33 में, तकरीबन 6:40 में तकरीबन जो है गरीब होगा। यह हमने अपना सामान पैक किया, वज़न तो देखना ही पड़ता है कि कितना रखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल एक्टिविटी है, सुबह से शाम तक ज़िंदगी में जो कुछ होता है ये मुझे शेयर करना अच्छा लगता है, इसका जिक्र करना, बात करना, स्टोरी बनाना, वीडियो बनाना, इस पर मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आए तो बहरा मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके अलावा ऑल नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियोज़ की इत्तला आपको बर वक्त मिलती रहे। अगर आपको मेरी कोशिश नहीं भी पसंद आती है मगर अब YouTube के अल्गोरिथम की वजह से हमारे रास्ते टकरा गए हैं, तो बरवाए मेहरबानी जाते जाते कमेंट कर दीजिए। आपके इस कमेंट से किसी का भला हो जाएगा, सीखने का मौका मिलेगा और इंशाल्लाह मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगा। एमिरेट्स में 23 किलो तकरीबन एक उसमें अलाउ होता है, थोड़ा ज़्यादा वैरी नहीं हो पाए, इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। ये एयरपोर्ट का नज़ारा, रश, मेरे ख्याल में ये पूरा टनल बनी है। तो इस तरह फ्लाई करने में ना कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि कोई कोविड तो चीज़ जैसे पता होता है नहीं लेके जाएं। जैसे मैं अभी एमिरेट से जा रहा हूँ और बीच में एमिरेट ने स्टे लंबा ले लिया, क्योंकि कैनेडियन पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं होता, कुछ दोस्तों यारों से मिल लेंगे, एक और दोस्त से मिलना था वो तो पाकिस्तान गया था। तो पावर बैंक वगैरह मैं बैक पैक में उसमें रख रहा था ना, लगेज में, ये हम नहीं रख सकते, उसमें लिखा भाई आपने हैंड कैरी में लेके जाना होगा, पावर बैग हो, कोई चार्जर वगैरह हो, आप ऐसे खाली बैठे नहीं हो वो आप डायरेक्ट जो है अपने बैग में नहीं रख सकते, कैरेज बैग में या लगेज बैग में जो सामान के साथ जाए। और एक दो चीज़ें अभी टिकट बुक करने में मैंने देखी कि जैसे आप कतर एयरलाइन वगैरह से देखो या वो अमेरिकन एयरलाइन से कनेक्ट होकर यहाँ से न्यूयॉर्क वगैरह जाएगी, वैसे न्यूयॉर्क मेरे यहाँ से उस तरफ है, और या यहाँ से फिलाडेल्फिया वगैरह आ जाएगी, शिकागो जाएगी, क्योंकि कतर की कुछ फ्लाइटें यहाँ से जो भी उनका कोड शेयर वगैरह था उसके थ्रू मॉन्ट्रियल के थ्रू होते हुए जाते हैं, उसमें दो बैग्स अलाउ होते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल इस तरह फ्लाइट का सिस्टम है ना, ज़्यादा लंबी लॉन्ग हॉल फ्लाइट है, जबकि कतर की जो अमेरिका के थ्रू जा रही है वो भी लॉन्ग हॉल ही, हालाँकि उसमें एक बैग अलाउ हुआ है। इससे पहले मैंने ट्रैवल किया तो कतर ने 3 अलाउ किया था, तो टिकट बुक करते हुए ये भी ख्याल रखना पड़ता है। इसी तरह अगर आप उससे बुकिंग करा रहे हो किसी, जैसे हमारी कैनेडियन बुकिंग .com वगैरह कराते हुए ये हम ये नज़र में रखें कि भाई बैगेज वगैरह, क्योंकि भाई मैं देसी हूँ, हमारा सामान वगैरह बहुत होता है, ज़्यादातर आप पूछो चॉकलेटें, शैम्पू, ऐसी चीज़ें भरी हुई हैं, उन्हीं का इतना लोड हो गया, मैंने हल्का वहाँ रखा हुआ है, ये इसमें चला जाएगा, क्योंकि फिर सर्दी लगने लगती है जहाज़ में, बाज़ दफ़ा इतनी तेज़ कूलिंग होती है बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है ना, चादर वो इतनी छोटी की इतनी पतली देते हैं कि मुझ जैसा बंदा भी चादर में पूरा नहीं लगता। और अब ये मुझे पता लगा कि यार अब जो है ना वो कोविड वगैरह का जो है इतना इशू नहीं है, मसला नहीं है, तो अंदर चलते हैं भाई, क्योंकि 9 डिग्री या 5 डिग्री फीस लाइक हो रहा है तो सर्दी लग रही है ना, तो है या नहीं है।
पहले हम अपनी करेंसी रिपोर्ट करेंगे, अगर आपके पास ज़्यादा हो या कम हो। देखो इधर यूएस का अलग ही एरिया बना है ना पूरा सेक्शन, और ये कुछ एयरलाइनों के लिए कुछ जगह, कुछ एयरलाइनों के लिए कुछ जगह। और उन्हीं के जैसे अब एयर कनाडा पीछे है, तो एयर कनाडा और दो तीन एयरलाइन तो उन्हीं के काउंटर हैं, उन्हीं पे आप जाके जो अपना जो या तो काउंटर पे चले जाओ या ऑटोमेटिक मशीन में से अपना जो पास ले लो, लेकिन सामान वगैरह तो आपको खुद ही जमा कराना होगा। बोला यहाँ पे जाओ, मुझे कुछ रिपोर्टिंग करनी है, मैं नहीं चाहता गड़बड़ हो। मैंने तो अपना बोर्डिंग पास ऑनलाइन ही ले लिया था, अब ऑनलाइन लेने से क्या फ़र्क पड़ता है, आपने सामान वगैरह तो वेट कराना है, चेक कराना है। पहले रिपोर्टिंग कर दिया कहीं और था, अभी यहाँ पे है। ये नेक्सस एंट्री इधर से होती होगी, गवर्नमेंट के कनाडा अमेरिका के दरमियान जो भी माहदा है ना उसके तहत यहाँ कनाडा का गवर्नमेंट सर्विसेस मैप बना हुआ, ये रिपोर्टिंग जारी लग रहा है। यहाँ जाके हम देख लेते हैं, पहले मैं कहीं और गया था, अभी कहीं और जाना पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा था। वैसे फीलिंग अलग होती है जब भाई घर जाना होता है ना, तो खसूस मैं जिस इमिग्रेशन करके आया एज में, तो दिल लगा भी रहना चाहिए बैक होम से। लोग यहाँ भी अपनी कम्युनिटी फैमिली बना के रहते, हम नहीं रहते, सभी रहते हैं इतने आराम से, अब बिल्कुल आउट ऑफ दी के खाना पीना रहन सहन उठना बैठना फिर कैसे एडजस्ट हो सकते हो। चले अंदर चलते हैं। भाई ये हमारी डॉक्टर सर्विसेस ही थी, इधर रिपोर्ट करना था, कैमरा लगा, उन्होंने बात की, लोग अंदर गए, उन्होंने कुछ कुछ रिपोर्ट करना होगा, लेकिन मैं सही था कि यार ये पहले मैंने इसमें नहीं आया था, मैं कहीं और जाना था। बोले आप गलत जगह पे, आपको दूसरे ऑफिस में जाना होगा, तो मैं वहीं जाता हूँ। वो लड़की पूछ रही थी, बोल रही थी एक अराइवल का है एक डिपार्चर का है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ है। बहरहाल उसकी गलती नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, हम नीचे वाले ऑफिस में जाते हैं। ये हमारे एयरपोर्ट का कोड है YYZ, क्योंकि तीन एयरपोर्ट हैं वैसे टोरंटो में। मैंने अपनी रिपोर्टिंग जो करनी थी कर ली, अच्छा वेलकमिंग स्माइलिंग ऑफिसर था, सरकारी आदमी इस तरह हो तो अच्छा लगता है। ये हमारा एमरेट्स आ गया, पहले भी एक दो दफ़ा मुझे ऐसा हुआ, पैनिश टाइप थी या कैनेडा इमिग्रेशन बेस्ड ही कंपनी है, वो दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस दिस एंड बाय द क्वेश्चन, लीगली काम कर रहे हैं ना, लीगली तरीका है वो कर रहे हैं जो रिपोर्ट करना। अपना ये जमा करा देते हैं, हमारे पाकिस्तान में इससे पहले चेकिंग वगैरह होती है ना, सामान की चेकिंग होती है, ये होती है मशीनों से गुजारते हैं, यहाँ पे इस तरह नहीं होता। यहाँ पे हम डायरेक्ट बस एयरपोर्ट पे चलते हुए आए, गाड़ी से उतरे, वहाँ से मैं दाखिल हुआ था, पहले वहाँ फिल मारा था, और उधर चले जाएँगे, उधर चले जाएँगे और सामान जमा करा देंगे, तो सामान चला जाएगा, खुद ही स्कैन करेगा, हम बैग बस वो वेट करेंगे और अपने साथ ले जाएंगे, तो ये फ़र्क होता है। और फिर आपका चेकिंग जो हमारी आखिर में एक साथ ही होती है, पासपोर्ट वगैरह भी मुझे, क्योंकि पासपोर्ट यहाँ से जाते पाकिस्तान में तो हमारा स्टैम्प वगैरह होता है ना, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली भी हो रहा होता है कि पासपोर्ट ना हो रहा हो वैसे चेक हो रहा है, इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ कोई भी या बॉर्डर कंट्रोल अथॉरिटीज़ कोई भी पासपोर्ट आपका स्कैन या कुछ भी नहीं करती, बस आप यहाँ एयरपोर्ट पर इनको पासपोर्ट देखा तो कन्फर्म कर रहे होते हैं बंदा है वही है, ठीक है, सामान इनके हवाले का तो कोई स्कैनिंग नहीं वो करेंगे, कुछ हो आपका सामान खुद ही भुगत होगा जो भी होगा, और अब आप ये लेके चले जाओ बॉर्डर कंट्रोल में, वो आपका सारा स्कैनिंग कर लेंगे चीज़ का, ऐसा मामला है। मैं इधर से दाखिल हो रहा था, उस बंदी ने बोला कि आपने ऑनलाइन चेकिंग कर ली, किसी और को बोल ली थी, खातून सामने है ना, तो मैंने बोला हाँ मैंने भी की हुई है, तो मैंने तो बोर्डिंग पास भी लिया हुआ, तो हो सकता है कोई सिस्टम चेंज हो, बारह या शायद जल्दी निकल जाए। और ये हमारे काउंटर्स, वज़न यार घर पे करो मैनुअल से 23.5 किलो आता है, सही है, और यहाँ पे करूँ तो 25.3, और जिसका 22.5 था उसका 23.8, समझ में नहीं आता, और हमेशा ऐसे होता है यार। तो मैंने एक भी नहीं दो दो वे स्केल से किया, यानी कह दीजिए मेरा वज़न 5.8 आया, क्योंकि मैंने एक दो चीज़ें
जेब में डाल ली थी। मैंने बोला यार ये क्या पंगेबाजी है। तो दूसरा ये कि हमने काम किया, अपना नाम जो है 3 हरफ पे मुश्तमिल है। तो 3 हरफ पे मुश्तमिल या वर्ड्स पे मुश्तमिल है, हमने जो है फैमिली नेम और मिडिल नेम मिला के लिख दिया था। हालांकि मैं इनका फ्रीक्वेंट फ्लायर तो नहीं कहना चाहिए, इतना बड़े तो हम हुए नहीं, इतना होना है तो वो हूँ मैं। तो उनके पास मेरे सिस्टम का एग्जैक्ट अलग 3 अलग अलग नाम है। अब वो मैंने जब टिकट बुक की तो मैंने नाम टाइप किया, पहला नाम अलग होता है ना, सरनेम, फैमिली नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इस तरह हमेशा कन्फ्यूजन रहती है यहाँ पे। हमें तो पैकों में कभी पता नहीं था आप क्या समझ में आनी, तो कभी फैमिली नेम में सरनेम लिख देते, सरनेम में फैमिली लिख देते। अब लिखा होता फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अब मैंने फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम डाला, लास्ट नेम में पूरा डाल दिया, मैं क्या कर सकता हूँ यार। तो वो उस पर कन्फ्यूज़ था, मुझे यही लग रहा था कि इसमें कोई मसला ना हो। तो फिर उसने अपनी सीनियर वगैरह से पूछा, बोला इसका नाम वही है, ये वो वीज वो गेट आ गया 7 यहाँ से अपना सामान वामान को सिक्योरिटी को ठिकाने लगाते हैं, आगे चलते हैं। तो ये हुआ, बहरहाल मुझे ये था कि यार ये कन्फ्यूजन होगी, काम आखिर में पंगा जो है ना, क्योंकि नाम मैच होना ज़रूरी, डेट तो बट ये वो नंबर होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक मैं बोल रहा था ना, बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी इनकी चेक नहीं करती, बंदा चले भाई ये स्कैन करते हैं, सही है। मुझे अपने इस गेट से जाना है 7 से, तो भाई वो पासपोर्ट इसने स्कैन किया जो यहाँ वहाँ, जैसे बॉर्डर कंट्रोल सिक्योरिटी करती है, जैसे अमेरिका गया था तो उनके बॉर्डर कंट्रोल ने स्कैन किया था, वापस आया इन्होंने स्कैन किया था, स्कैन क्या किया था, सब रिकॉर्ड में आ रहा। और इसने सारी पूछी, कोई लिक्विड चीज़ ड्रोन तो नहीं रखा हुआ, लिक्विड चीज़ हैंड कैरी में तो नहीं है, हंगा हैंड एमएल से ज़्यादा ये वो ना। तो इसका मतलब है वो उन्होंने जो उनकी चेकिंग वाली जिम्मेदारी है ना, कुछ एयरलाइन पे ट्रांसफ़र की नहीं, पासपोर्ट का स्कैन करना ये वो ठीक है, वो डेटा रिलीट करता है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये मुझे ऐसा ही लगता है। थोड़ा सा नेट पे देख लेंगे, नहीं तो कौन सा बॉर्डर कंट्रोल ज्वाइन किया हुआ हमने। टाइम हो गया है 11:05, अभी टाइम है वैसे काफ़ी मेरे पास। इवन जो मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ ना, तो क्या फाइनल डेस्टिनेशन है पाकिस्तान, तो वीज़ा भी इसी ने देखा, ठीक है। पाकिस्तान में तो FIR वो भी वो करते होंगे ना, तो मुझे ये फ़र्क नज़र आया है ना यहाँ के सिस्टम में, पता नहीं क्या ऑटोमेटिक कुछ कर रहे हैं लोग, यही है भाई बड़ा घंटो यहाँ से चलते हैं, गलत आ गया। बंदे की जैकेट इतनी ज़बरदस्त लग रही है येलो कलर की, लेकिन वो हमने भी एक ऐसे ऑरेंज कलर की ले ली, हम पहनने लगे कफे गंदी होने लगी। वो दोस्त ने बोला भाई ये कभी कभी पहनने की होती है, ये दोस्त पहनने की नहीं होती यार। अच्छा पैसेंजर इंटरेंस, ओ सॉरी मैं अपोलोजीज भाई साहब, इतना रश इतना क्विक क्विक, मेरा आई ग्लासेस भूल गए, वो मशीन के अंदर ही गिर गया ना, सामान इतनी तेज से चला रहे, इतनी तेज तेज काम कर रहे, किसी का जो है लैपटॉप बैग घूम गया, वो बंदा बोल रहा है यार मेरा लैपटॉप बैग है, मेरा लैपटॉप बैग है। और एक बंदी का मैंने खुद देखा, बोल रही मेरी भाई लैपटॉप, बोल रही है कि कहीं कहीं वो बंदी कर रही, कहीं नहीं गया, देखो देखो वही अंदर मशीन के पास गई थी और वहाँ देख के आई, मुझे बताया कि आपका ग्लासेस अंदर गिरा हुआ है, हमने किसी बॉक्स में डाल दिया, वो जो स्लाइड होकर आ रहा होता ना, तो अभी आपको मिल जाएगा। वो बंदी तो लैपटॉप, और कुछ देर में उसने बोला भाई सुकून से देखो होगा यहीं पे, कुछ देर में देखा कोई और बंदा चलता वाला, वो सॉरी सॉरी सॉरी, वो पता लगा दोनों एक जैसे थे कि दूसरे का लैपटॉप ले गया, अजीब अजीब मजाक होते हैं। अरे कनेक्शन डी कनाडा लिखा हुआ है, अरे भाई तो अमेरिका है यार, लेकिन वो खैर हमारा एमरजेंसी में हुआ। अमरीका तो भाई जाने के गेट से अलग तक है, उससे ट्रांजिट का तो कुछ भी, क्योंकि वहाँ की सख्त रिक्वायरमेंट ये है ना, सिक्योरिटी चेक बहुत सख्त है, और अमेरिका से ट्रांजिट करने के लिए भी आपको जो है वीज़ा चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते। कनाडा में 2 चीज़ें तो बड़ी अच्छी लगती है ना, उनमें ये है भाई, एक तो इतने लोग, हर तरह के लोग, ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ, एलिट एरिया के लोग, और यार मुझे एक दो कंट्रीज जहन में नहीं आ रही, मैंने सोचा भी नहीं था, भूटान, सूडान,
हमने सोचा नहीं था दुनिया में कभी मुलाकात होगी इनसे। और दूसरा टैप के नलके से पानी पीना, ये दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। ये अमेरिका जाने वाले कनेक्शन, अमेरिका और कनाडा के अंदर ही होगा ना, डी एफ और इस तरह के ऑटोमेटिक डोर। और यही दुनिया बनाना, इसका मतलब है कि इंटरनेशनल। और ये जो मेन इंटेंसिव है, तो यार ये कितने कलर प्यारे लग रहे हैं यार, ये देखो खुद देखो मान से। ये जो मैं गेट पे आ रहा हूँ, मुझे फ्रंट एयरलाइन पे डिस्ट्रीब्यूशन था, ये अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये हमारे जो है एमरेट्स के लिए मैं जाऊँगा। तो भाई आज जो है ना अपनी फ्लाइट होने वाली है 380, 500, 800, यानी डबल डेकर प्लेन में मैं जाने वाला हूँ। डबल डेकर ट्रेन के जो मज़े हैं ना, वो तो मत पूछो। अभी यहाँ क्योंकि सर्दी आ रही है, 6 डिग्री फीस ला के 9 डिग्री है, तो आप देख सकते हो कि बादल बादल रहेंगे ना, बस ये ठंडक बिल्डअप करते हैं। अगर इसी में अभी सूरज निकल आएगा, हवा रुक जाएगी, तो 14-15 डिग्री हो जाएगा। वैसे तो कुदरत है, जो चाहे कर ले, कुदरत का सिस्टम ही चल रहा है ना, ऐसा तो नहीं है ना यहाँ पे कराची वाला विंटर होने लगे। मैं बहुत नज़र नहीं आ रहा भाई, पता नहीं कहाँ चलते गेट्स यहाँ पे। भाई इसमें ही चलना पड़ता है। एक दफ़ा टर्की में हमने होशियारी की थी, सबिया गोकिन वाले में नहीं, वो दूसरा वाला जो इस्तांबुल एयरपोर्ट, और भाई वो चलता ही आ रहा, दिमाग ख़राब हो गया। हमने बोला पैदल चलेंगे हम, मुझे पैदल चलना भारी पड़ गया भाई। बंदे के जूतों का कलर देखा, अभी मैंने ये देखा वहाँ, मैं इस पे से रुका, बीच में ब्रेक था, तो ये मेरे पीछे जो लाइट चमक रही है ना, क्या पैसा ना हो जाके, क्योंकि ये जो भी चल रही है, जो भी होती होगी यार, मुझे क्या पता, और जाके उसमें हिट हो जाओ जाके फिर, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है ना। अच्छा मैं इसमें चल रही, मैंने गौर नहीं किया इसमें रुको तो खुद भी चला सकती है, आपको दिमाग ख़राब हो गया, चले जा रहे हैं, थका रहे अपने, चलो रुकते हैं। मैं मतलब ये रुके नहीं, तो फिर भी चलते जा रहे हैं। ये वाली लाइट वैसे तो येलो पेंट भी है, क्योंकि यहाँ इतना ना रोशनी नहीं है, बस थोड़ी से नीचे जा, अब यहाँ तो कोई लिखा भी नहीं है। मैं मतलब चलो जाके सिस्टर, थैंक यू। तो भाई बहुत ही हाई था भाई, दो स्टेप्स में बनानी चाहिए थी, गलत किया हुआ है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होगा ना, कौन कौन से ग्रुप किस तरह का है, रेस्टोरेंट वगैरह, यू आर हेयर, ये मुझे यहाँ का बड़ा प्यारा लगता है। इसमें से जाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसमें से भी लगता है, इसमें से ना क्या फर्क लगता है। ये क्या भाई, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगी है। पांच के अड्डे पे चलो उस तरफ चल लेते, जल्दी आ गया ना सब। पता नहीं लोग इस्तेमाल करने के लिए बिजनेस लाउंज में इतने भरा हमें देंगे। सोर्स इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की ऐसे होती है ना, इसमें चिप्स खोल लिए तो आप अपना पे करो, ये कन्वेयर बेल्ट वगैरह चेन सिस्टम है, पूरा हेडफोन ही ले लो, यानी जो भी मशीन चलाती है, वेंडिंग मशीन, हाँ वेंडिंग मशीन। अब भाई साउंड ऑफ वीवो लिखा, मशरूम जाते हैं, मशरूम इसलिए जाते हैं पीने का पानी खाना है। अच्छी चीज़ें लगती हैं, जो कर सकती है लेकिन नल से पानी पीना छोटी बड़ी होती है घाने की पीने। दूसरा एयरपोर्ट के वाशरूम में है, कैसी सर्विस है टोरंटो की, ऐसे में हमारा निशान आप अभी नहीं है, क्योंकि हम देखें ना इस पर दुनिया के मैप वगैरह बने, तो आप देखो कि इसमें से कौन कौन सी करेंसी निकल सकती है। तो पुर्तगाल लग रहा है, इंग्लैंड की लग रही है, अमेरिका की। ये बर्डी एयरपोर्ट के अंदर कैसा आ गया भाई,
बिल्कुल एग्जैक्ट पाकिस्तान वाली छवि है। वाईफाई खोले तो उन पर पीएसएन का एयरपोर्ट लगा ले। कभी पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करें, पब्लिक वाईफाई होता है तो उस पर कोई ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या इस किस्म की चीज़ें वो अवॉइड करें, बिल्कुल ना करें कभी। तो ये मैंने एयरपोर्ट वगैरह पे ये देखा है। वैसे आप बाज़ जगहों पे जहाँ पे आप नॉर्मल कहीं पे कनेक्ट करो तो कनेक्ट हो जाता है पब्लिक वाईफाई, या कहीं पे आपकी शायद मेरे अंडरस्टैंडिंग में ऐसा ले लो ऐसा आईडी, फ्लाइट टिकट नंबर या ईमेल आईडी और फ्लाइट नंबर आपका पासवर्ड मांगेगा। लेकिन ये एयरपोर्ट पे मैंने देखा है बाकायदा वहाँ जाता है वो, फिर वो कनेक्ट करता है बोलता है आप उस कनेक्शन को क्लिक करोगे तो किसी इसी चीज़ पे लेके जाता है जैसे यहाँ लेके गया /dna.spaces.io enjoying complimentary, ठीक है। और फिर जो है ना आप अपने ईमेल वगैरह डालोगे तो फिर चलेगा। ये क्यों होता है मुझे नहीं पता यार, लेकिन मुझे अभी तक अपना लेना है एमिरेट्स का जहाज़ नज़र नहीं आया था। वो A380-800 तो डबल डेकर जहाज है, कम उसका साइज़ ही अलग होता है। तो इससे पहले मैंने ये जिक्र किया जो मुझे पुराना याद था कि बॉर्डर कंट्रोल वाले इस तरह के पासपोर्ट या मनी चेक करते हैं, लेकिन अभी मैंने देखा कि जो बॉर्डर कंट्रोल है ना उसके जब हम लाइनों में लगे तो उस बंदी के पास स्कैनर था, वो सबके बोर्डिंग पास स्कैन कर रहे थे। बोर्डिंग पास स्कैन किए तो इसका मतलब है डेटा आ गया, क्योंकि एयरलाइन वाले ने आपका पासपोर्ट लिया, सॉरी पासपोर्ट लिया, आपका जहाँ ट्रैवल कर रहे हो वहाँ किस बेस पे ट्रैवल करोगे नाइकॉप या ई वीज़ा वो है वो उसने चेक किया। जब उसने बोर्डिंग पार्ट को स्कैन किया होगा तो जाहिर सी बात है तमाम डेटा इन्फॉर्मेशन इसके पास आ गई। अब लाइन में लग गए हूँ भाई और बोर्डिंग ऑन है, हमारा टाइम हो गया है तकरीबन 1:50। सीट और जोन पहले बिजनेस क्लास वालों को बनाया, स्पेशल नीड वाले बच्चों के साथ वालों को बनाया, फिर जोन वाइज। ऐलान किया था कि बोर्डिंग पास चाहिए और पता लगा कि पासपोर्ट भी देखना है। ये वाला होगा मोटा ताजा सा ना हमारे, ये मुझे इथोपिया का निशान लग रहा था, तो पायलट का रास्ता लग रहा है, वो इथोपिया ही नजर आ रहा है मेरा बैकग्राउंड में। पहले बोर्डिंग पास का आधा को खड़ा वो रख लेते थे, अब उसने रखा ही नहीं, वो बड़ा वाला पार्ट और आधा वाला पार्ट दोनों मुझे दे दिया पता नहीं क्यों। ज़्यादातर ट्रैवल करने का तफाक नहीं होता, ये जो जगह है ना ये बड़ी आइडियल जगह है, बहुत सपोर्ट दे रहा है। जहाज में किस तरह नमाज पढ़ते हैं वो मैंने देख लिया, कैसे पढ़ते हैं, किस किस रुख पे पढ़ते हैं, किस किस टाइम पे पढ़नी है, मैं आपको कुछ स्क्रीन शॉट भी आगे दिखाऊंगा। तो अभी हम रात की तरफ जाते जाएंगे ना तो तेज़ी से रात क्रॉस होगी, क्योंकि जिस रीजन में हम जा रहे हैं उनसे 10 घंटे आगे, 9 घंटे आगे हमसे, तो 9 घंटे आगे मतलब है यहाँ अगर अभी 2:30 बज रहे हैं तो वहाँ पे आप समझ लो रात के ऑलरेडी 12:30 बज गए, तो 5-6 घंटे अंधेरे में मिलेंगे, फिर हम दिन में दाखिल हो चुके होंगे। कमर के नीचे रखने का पहले उसका आ गया भाई, तो अभी उड़ने की चाहते हैं बड़े घर की लकड़ी, मुझे वैसे शिकायतें रहती है कि छोटी है, बड़े साइज की लकड़ी।
सारे लोग बोर हो चुके हैं, टाइम से पहले ही बोर हो रहे हैं। अभी तीन मिनट बाकी, तो बोला बस हम एक दो मिनट पहले टैक्सी शुरू कर देंगे। मगर ये बात है मेरे बराबर में सीट भी खाली है, उनके भी कई सीटें खाली हैं। अभी इतनी महंगी सीटें देते हैं, जहाज खाली होगा ये मुझे समझ में नहीं है। इंग्लिश में अनाउंसमेंट हुई, फ्रेंच में कोई अनाउंसमेंट नहीं, और अरबी में होती थी। अरबी में तो उसने ऐसे ही है अनाउंसमेंट, इतनी हल्की भी समझ में नहीं आई, जैसे कि प्री रिकॉर्डेड था। डबल डकर चार मिनट लेट टैक्सी शुरू हुई है, उसने बोला था दो तीन मिनट पहले कर देंगे। पापा तो मजा आज भाई चलना शुरू हो गया, मम्मी को खुद ही से बताती है कि पहले टैक्सी हो रहा था, अब चलना है। दौड़ने की साउंड होती है ना, उसकी तो क्या ही बात होती है। इंतजार करता हूँ दौड़ने वाला मंजर, उसकी जो वाइब्रेशन फील होती है ना, और जितनी स्पीड में दौड़ता है उसका एक अलग ही मज़ा होता है। इतना लंबा चल रहा है टोरंटो तो ऐसे ही पहुँच जाएगा, तो इसी साल में ना वैसे मेरे कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है यहाँ पर, अलग अलग है। यहाँ पर USB भी है, ओल्ड स्कूल टाइप के हेडफोन टाइप सी नहीं है, USB वाले चार्जिंग वाले। ये आ गया रंग रंग, क्योंकि मेरे पास अभी इससे पहले आ रहा था कौन ये वो चट्टान, अब आ रहा है 88।
आपको बताइए, अमेरिका को थोड़ी कोई फ्लाइट हो सिर्फ ट्रांसिट, तो शायद दुनिया का वाइट मिल गया जहाँ पर ट्रांसिट का भी आपको वीसा देना पड़ता। अब ये हो गया कि हम डे के टाइम जोन में, और ये हो गया कि हम अंधेरे के टाइम जोन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लंदन में टाइम है, फ्रैंकफर्ट में टाइम है, मॉस्को में वक्त लगा लिया हमारा, जहाँ से चले दुबई में टाइम हुआ है, लंदन ये मुझे नज़ारा है कि रात में नाजिल होंगे। Thank you.
ठीक है भाई दुबई। 11:15 हुए हैं, 10 मिनट में उसका कहना था कि ब्रेक लगे हैं। जहाज जिस तरह नीचे टच हुआ है ना ठक्कर के, लैंडिंग के भी टायर नीचे लगे, मेरे ख्याल में मुझे दो पर आगे लग जाएंगे क्योंकि दुबई में एमिरेट्स का तो अपना ही पूरा टर्मिनल है। अभी जैकेट भारी पड़ जाएगी, गर्मी होगी ना। ये कितना बड़ा जहाज है, चलते हैं वॉशरूम जाते हैं, टूथपेस्ट जहाज से ले लिया था जो वो देते हैं, क्लीन करते हैं। जमी अल मुसाफरीन और पैसेंजर्स, ओके ये क्या भाग के जाना होता है यहाँ से ना पता नहीं। कनेक्शंस अराइवल्स, पहले तो वॉशरूम देखे भाई, बाकी तो बाद में देखेंगे। मस्जिद समुद्री कभी चल, तो भाई जहाँ जाना अपने सफ़र का, एक घर कैनेडियन घर से अपने बैकहोम घर जाने का पहला स्टेज कंप्लीट, दुबई आना। दुबई को अलग रखते हैं जो दुबई घूमते हैं, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद दूसरी फ्लाइट पे। तो भाई मैं वापस एयरपोर्ट पे आ गया, दोस्तों के साथ था, उनको वीडियो में नहीं लेना चाहता था। यार एयरपोर्ट पर उसका साइज देखो, ये सब लोडिंग करने के बाद, सामान चेक करने के बाद, पासपोर्ट कंट्रोल वो करने के बाद गेट पे जाना है, तो उसके लिए भी ट्रेन दी है, और ये वाली ट्रेन नहीं है जिससे मैं दुबई घूमा। तो अब अपना आखिरी लॉग इंजॉय करते हैं, अभी दूसरी वीडियो में दुबई पे घूम रहा था, ठीक है। वहाँ भाई ट्रैफिक इतना जाम, फासला इतना दूर नहीं है, इतना शदीद जाम ट्रैफिक है, अब तो ना पूछो भाई। बहरहाल पहुँच गए, और उसने उसका ऑटोमेटिक जहाँ पासपोर्ट होता है वो स्कैन पे भेज दिया और जल्दी निकाल दिया अल्लाह ताला ने, तो मसला नहीं हुआ। यहाँ पे उसके अंदर उधर दुबई मॉल में था, हर जगह इतर की और खुशबुओं की इतनी है, नेगेटिव उसमें नहीं बोल रहा, बड़ा यार डिफरेंट फीलिंग हो रही है। मेरे संग में पाउच का जिसमें डॉक्यूमेंट क्लिप यूज हो गया, तो बार बार होता रहता है। ये बात समझ में नहीं आ रही, जब ये एयरपोर्ट पूरी रात चलता है तो अच्छा, वो मेट्रो है, एयरपोर्ट की वो चलती रहती, मेट्रो पूरी रात नहीं चलती। जो इस किस्म का एयरपोर्ट है भाई, इसे तो चलना चाहिए। 12:50 तकरीबन की फ़्लाइट है, कराची पाकिस्तान की फ़्लाइट होती है ना, वहाँ पे तो दुबई आते हुए बोर्डिंग पास और प्रॉपर पासपोर्ट उधर भी चेक कर रहे हैं, जहाज भी करवा देते हैं। यहाँ तो बोला बस खुद ही बोर्डिंग पास स्कैन कर दो, निकल गया कराची का, लेके जाओगे कराची वाली शक्ल है। हाँ जी ये एक्सपीरियंस है थ्री। Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Emirates Flight EK606 to Karachi. Your flight will be ready for boarding in 10 minutes.
We ask you to keep the boarding lanes clear to allow others to board when called. Boarding will be done by zones. Please take a moment to locate the seating zone on your boarding pass. First class passengers, business class passengers, Emirates, Skyroads, Platinum and Gold card holders may board at their leisure. Passengers requiring special assistance, families travelling with infants and children will be boarded first. Boarding will then continue with premium economy and economy class. Kindly remain seated until your zone has been called. Thank you for choosing Emirates. And we wish you a pleasant flight. مساء الخير حضر أستاذ المسافرين. نرحب بكم على رحلة طيران الإمارات دبئی مال سے باہر نکل رہا ہے، اتنی گرمی ہے تو دوست نے بولا کہ ادھر آ جا، فاؤنٹین پہ آ جا، برج خلیفہ پہ. اس نے لوکیشن پن کر کے بھیجی، وہاں پہنچے تو پتہ لگا اپوزٹ سائڈ چلا گیا. دوسرا دوست ہنسنے لگا ہے، کیا ہے پہلی دفعہ آئے ہیں تو یہی ہوگا نا. یہاں وہی بھائی صاحب، چلتے چلے جاؤ، پاکستان کی فلائٹ ہے تو. اتنے لوگ ہیں آگے، یہاں عمرے وغیرہ کے آئے ہیں جو رابطہ ہی نہیں کر رہے ہیں.